गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 11 बाजार दर्शन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 12 मजदूरी और प्रेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय रीड करते हैं। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1931 ईस्वी में। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरकार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता एवं चमत्कारिता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने ही कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार है: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विट्समैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनके विशिष्ट गुण हैं। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत जो निबंध है मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता है। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति स्नेह व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है जो कठोर श्रम करते हैं और सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने आज के युग का तिरस्कार कर हाथ के कला कौशल को महत्व दिया है। लेखक ने इसी आधार पर मजदूर वर्ग को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर बताया है कि मजदूर की मजदूरी प्रेम से ही चुकाई जा सकती है, धन से नहीं। कि मजदूर के प्रति हमें स्नेह भाव रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मजदूर से अपना काम करवा के उसे मजदूरी दी और अपना कर्तव्य पूरा हुआ, ऐसा नहीं होता है। उसके प्रति जो है स्नेह का भाव अपने हृदय में होना चाहिए। लेखक मजदूर प्रेम के माध्यम से लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि काम के बदले मजदूरी चुकाने से अपना कर्तव्य पूरा नहीं होता है। लोग ये समझते हैं कि मजदूरी चुकाने से अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, परंतु यह उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे काम करने वाले को संतोष नहीं होता है। प्रस्तुत निबंध में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम मजदूरी और प्रेम के महत्व को समझकर ऐसा आचरण करें कि मजदूरी करने वाले के प्रति हमारा सच्चा प्रेम और आभार प्रकट हो सके। प्रस्तुत जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, लेखक ने अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से वर्णन किया है। अब फर्स्ट जो शीर्षक लिया उन्होंने वो लिया है हल चलाने वाले का जीवन।
अब देखिए हल चलाने वाले का यानी कि किसान का जीवन जो है वो किस प्रकार होता है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं, अर्थात सरल स्वभाव के होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेती उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। मैं जब भी अनार की फूल और फल देखता हूं, तब मुझे बाग के माली की रुधिर याद आ जाती है। उनकी मेहनत के जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ दिखाई पड़ता है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यही नहीं पढ़ा, जप और तप नहीं करता, संध्या वंदना इसे नहीं आती, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजे इसे कोई सरोकार नहीं है। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से, अर्थात पानी के झरने से, जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गाय से प्रेम होता है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। छाए और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह अपने मृदुर वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा भी दे दे तो इसे ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है। स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना स्वाध्याय से कम नहीं है। दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जा सकता है, अन्य मिलने का नहीं है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उसकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर अपने बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन पे बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोट कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाले, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पों, धान का माली और खेतों का मालिक जा रहा है। जो फर्स्ट जो शीर्षक लिया उसने, लेखक ने, हल चलाने वाले का जीवन, यानी कि पूरा जो किसान का जीवन का है उसका वर्णन किया है। लेखक ने बताया कि हल चलाने वाले किसान का जीवन जो है स्वभाव से कैसा होता है, तपस्वी और साधु होता है। वह पढ़ा लिखा नहीं होता है और खेत ही उसकी यज्ञशाला होती है, अर्थात वो पूरी अपनी तपस्या वो अपने खेत में ही करता है। वह अपने जीवन का होम करते हुए, यानी कि अपने जीवन के पूरे सपने सब कुछ वह उस खेत में ही लगाता है और अपने जीवन का होम करते हुए अपनी मेहनत के कणों से फसल को
फसल के रूप में उगाता है, अर्थात अपने जीवन का पूरा जीवन अपना जो है खेतों में ही लगा देता है, अपने जीवन की पूरी मेहनत वो लगाकर खेतों में फसल के रूप में उगाता है। खेतों ही उसकी ईश्वरीय का केंद्र है, यानी कि उसकी तपस्या, उसका मंदिर, सब कुछ वह है, वो उसका खेत ही है। वह प्राकृतिक परिवेश में रहता है, यानी कि खुले आसमान के नीचे और खुली हवा में रहने वाला व्यक्ति है। उसकी आवश्यकताएं जो होती है किसान की, वो सीमित है। वह बड़ा ही सज्जन और निश्चल और आध्यात्मिक होता है। वह गायों का मित्र, बैलों का हमजोली और सभी का अन्नदाता होता है। जो हमें अन्न मिलता है वो हमें किसान की मेहनत का ही फल है, जो हमें अन्न प्राप्त होता है। यह होता है फर्स्ट शीर्षक, हल चलाने वाले का जीवन कंप्लीट। सेकंड जो है वो है गडरिये का जीवन, जो हम कल की क्लास में रीड करेंगे।